नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से ग्रामीण अंचलों में विद्युत अधिकारियों द्वारा सरकारी योजनाओं की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। एक तरफ प्रधानमंत्री विदेशों में बता रहे हैं कि हर गांव में बिजली, हर घर घर में बिजली पहुंचाई जा रही है, लेकिन जिस खेजरा गुरुजी पंचायत के गांव में प्रधानमंत्री कार्यालय अति पिछड़े गांव में चुना गया था, उस पंचायत के ग्रामीण तरस रहे हैं बिजली के लिए। गांव में विद्युत अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि आपको 24 घंटे विद्युत दी जाएगी, ये कहकर उपभोक्ता बना लिए गए, वो भी सिर्फ कागजों में। इसके साथ ही 3 माह से थमा रहे विद्युत मंडल गाँव में गरीबों के हाथों में बिल। इस गाँव में 3 माह से बिजली नहीं पहुँची है, डरा धमका कर बिल जमा किए जा रहे हैं। गाँव में ना डीपी है ना ही खम्भे, लगे हैं तो सिर्फ मीटर, जिसके चलते बिना बिजली के बस गरीबों के हाथों में थमा रहे सिर्फ अनुमानित बिल। यही स्थिति रुटियाई के पास हरिपुर गांव के भील आदिवासी एवं हरिजन बस्तियों के भी है। गांव अंधेरे के हवाले है। इतनी तेज गर्मी में पठारी इलाके में जिसका तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस है, इस भीषण गर्मी में बच्चे लू के थपेड़े खा रहे हैं और इस बीमारी में लग रहे हैं पैसे, साथ ही बिजली के बिल का डर सता रहा है। ऐसे ही स्थिति खेजरा धरनावदा में बसे चौपड़ा बाग के पास की बस्ती गुरुजी खेजड़ा, रामपुरा, भैरवपुरा, गोलाखेड़ी, हरिपुर, हरिजन बस्तियों के भी है। जब इस बारे में विद्युत विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों से बात करना चाहिए तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, साथ ही कईयों ने तो फोन भी नहीं उठाया। न जाने कब तक ग्रामीण विद्युत विभाग का दंश झेलते रहेंगे। तो मुझे भी कहा फिर जी बिल कैसे आया, हमें जब लाइट आप जेब से नहीं लगाते हुए तो जी बिल कैसे आ रहे, तो उसकी कुछ व्यवस्था कुछ भी करके दे, पैसे भरने हम तैयार हैं, जब ही भरेंगे हमारी लाइट की व्यवस्था होगी। जब कुछ पढ़ाई लिखाई होती है शाम के स्कूल जाते हैं तो भूल जाते हैं सब, और आगे पानी की व्यवस्था नहीं है, 2 किलोमीटर पानी लाते हैं नहीं आ रही लाइट, आ रही इनका जो मच्छर और खा रहे हैं, मोड़ मोड़ इंदिरे में पड़े हैं और मच्छर खा रहा है, खाने पैसा लगा में हम अस्पताल में चाड़े रात देना, मच्छर मच्छर झूम रहे निर्वाह को, लाइट आई नहीं, बिल आ रहा, बिल हम कहाँ से दे में, लाइट आ तो हम बिल दे में। गाँव के निवासी हैं हम, कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं और यहाँ आए दिन मतलब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हर गांव में विकास हो चुका है, हर गांव में लाइट पहुँच चुकी है, लेकिन यहाँ बिल्कुल मतलब स्थिति अलग है, मतलब विपरीत स्थिति है। यहाँ पे ना तो लाइट आ रही है और ना बिजली के खंभे हैं, ना यहाँ पे डोरी हैं और ना डीपी रखी हुई है, यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब अंधेरों में तो हम रह रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और बहुत ही परेशानी है। और हम मतलब कोई कभी गांव में जाते हैं या कभी शहर में जाते हैं तो वहाँ न्यूज़पेपर अखबारों में देखते हैं तो मतलब वहाँ पता पड़ता है, नरेंद्र मोदी जी माननीय जी बोलते हैं हमसे कि हर गांव में विकास हो चुका है, हर गांव में मतलब लाइट पहुँच चुकी है, हर गांव, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे गाँव में, हमारे गाँव में ना तो मीटर है हमारे घरों में और ना ही डोरी है और ना ही कुछ है, मतलब गाँव में हम जब भी जाते हैं दूसरे घर जाते हैं कोई भी देखते हैं तो मतलब इतनी परेशानी होती है, कुछ पूछो मत तुम। लाइट की कमी की वजह से लाइट नहीं मिलती हमको, बीपीएल कनेक्शन बांटे गए हैं, ना खम्भे गड़े हैं अभी तक, कोई व्यवस्था है ना, मीटर नहीं लगा, ना मीटर भी नहीं लगे हैं अभी तक, बहुत सारी व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर भी निकाल ले जाता है सुपरवाइजर, तमाम तरह की बातें समस्याएं हैं, गर्मी में बच्चे परेशान हैं, बुखार बीमारी तरह तरह की परेशानी झेल रहे हैं, पानी पीवे से मोहताज हैं सारे लोग, किसान वर्ग एरिया है, ये बीपीएल कनेक्शन बांट दिए तो इनने कनेक्शन क्यों नहीं दिए इनको अभी तक, लाइट के बगैर पार्ट अधूरा हो रहा है हमारा, चिमनी गैस में जलाकर काम कर रहे हैं हम लोग, इसे भी परेशान है, और जो बिल भेजा रहे हैं हमारे पास और मीटर लगे नहीं है अभी तक, खंभे गड़े नहीं अभी तक। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट।
छात्र संघ डीएसओ ने किया छात्र सम्मेलन का आयोजन। इस छात्र संघ सम्मेलन का आयोजन के पीछे इस डीएसओ का मकसद है कि प्रत्येक तहसील स्तर पर लाइब्रेरी होना आवश्यक है। इसके साथ ही जहां भी शिक्षकों की कमी है उन शिक्षकों की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए एवं जिस स्कूल या कॉलेज में लाइब्रेरी की कमी है उसको तुरंत पूरा किया जाए। साथ ही जितने भी लेबोरेटरीज और स्कूल कॉलेज में हैं उनको ठीक तरह से की जाए, उनकी सारी कमियाँ पूरी की जाए। बहुत सारे छात्र छात्राएं ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद में कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आते हैं, लेकिन अधिकांश छात्र एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं क्योंकि सीट संख्या डिग्री करना चाहते हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाता है क्योंकि सीट संख्या निर्धारित है। इसलिए क्योंकि ये एक ही कॉलेज है, 1964 में एक कॉलेज बना था, तब से लेके अभी तक एक ही कॉलेज है लेकिन प्राइवेट कॉलेज है। दूसरा एक जानकारी भी मतलब सुनने में आई है कि ये इस वर्ष में जो बीएड होता है इसका लास्ट एडमिशन है, इसके बाद में जो 2019 से या 20 से बीए बीएससी बीकॉम आज छात्र संगठन डीएसओ के द्वारा छठवां जिला छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन की मांग है कि तो सभी तहसीलों में सरकारी लाइब्रेरी खोली जाएँ, दूसरी मांग है भमौरी में नए सरकारी कॉलेज बने और जो सभी कॉलेजों में टीचर्स की कमी है, सभी स्कूलों में टीचर्स की कमी है, इन सभी में टीचर्स की भर्ती की जाए और जो स्कूलों में कॉलेजों में लाइब्रेरी की ज़रूरत है, सभी जगह लैब में प्रायोगिक सामग्री की कमी है, इन सभी को दुरुस्त किया जाए, इन सभी को सामग्री को मंगाया जाए, इस मांग को लेकर ये यहाँ पर जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दूसरी मांग ये भी है कि जो छात्राओं के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ की घटनाएँ हो रही हैं इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, निर्भय अभियान को शुरू किया जाए, इन मांगों को लेकर आज ये जिला सम्मेलन का आयोजन हुआ है। देखने लायक होगा कि छात्र संघ की मांगों को प्रदेश सरकार कितनी जल्दी मानेगी। शराब के नशे में पति ने लगाई पत्नी में आग। शहर में नशे की लत में लोगों को इतना बिगाड़ दिया है कि वह नशा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। वहीं अगर बात की जाए शराब के माफिया की तो वह गुनाह में इतने सक्रिय हैं कि लोग शराब के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है बजरंगढ़ थाना के अंतर्गत नवीन कॉलोनी में एक मजदूर का, जो कि शराब का आदी है। उसने अपनी पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगे, पैसे न देने पर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद पति ने जो कि शराब का आदी था उसने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे जिला चिकित्सालय में 35% जली हुई हालत में भर्ती कराया गया है। महिला की हालत ठीक बताई जा रही है, पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मैं तो बाड़ी पर रहता हूँ, खेत पर सब्जी वब्जी लगाई है, मुझे मम्मी पापा और एक छोटा भाई है वो रहते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो उनने थोड़ा सा तेल रखा था मतलब मिट्टी का, तो उन्होंने इन पर डाल दिया और दूर से काड़ी फेंक दी तो आग लग गई। आग भागती भागती बाहर आई तो थोड़ा पानी भी डाला उन्होंने, उसके अलावा फिर बगल में पड़ोसी है ना तो वे भी आए होंगे आग बुझाने के लिए, फिर उधर भाई पहुँचा भगते भगते मेरे को बुलाने तो उधर से फिर मैं आया। बस शराब पीते हैं, शराब के अलावा उनको पैसे नहीं मिले तो इसलिए उन्होंने आग लगा दी। सुबह लगाई 7:30-8 के बीच, तो सुबह सुबह शराब पी ली थी। सुबह सुबह पीते हैं, 24 घंटे पीते हैं, 24 घंटे पीते हैं वो, तो रात में तो 12 बजे तक दवाई करते हैं, 3 बजे दवाई चालू कर देते हैं। हमारे बजरंगढ़ थाने का मामला है, उसमें नवीन कॉलोनी है जो 20 बजे रोड के पास में है। आज सुबह कंट्रोल हमको सूचना प्राप्त हुई थी डायल 100 से कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी में आग लगा दी है। वहाँ मौके पर पहुँचे तो देखा कि उसका पति कमलेश भाई, पत्नी ब्रजेश ढीमर, उम्र 40 साल है उनकी, उसका पति शराब पीने का आदी, उसने शराब के लिए उससे पैसे मांगे, उसने के ना देने पर उसने उसको मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया था, जिसको तत्काल वहाँ से लाकर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में गुनाह में भर्ती कराया गया है और उसकी रिपोर्ट पर से उसके विरुद्ध दफा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जो विशेष नाम है। सत्तर वर्षीय वृद्ध की लाश टोल नाके के पास मिली। पुलिस कंट्रोल रूम पर सुबह एक फोन आया कि टोल नाके के पास एक अज्ञात वृद्ध की लाश पड़ी हुई है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वृद्ध को जिला चिकित्सालय में लाया गया, वहीं उसका पोस्टमार्टम भी किया गया। पुलिस के मुताबिक अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं लग पाई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके परिजनों को ढूंढना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उस वृद्ध के पास से कोई भी आईडी कार्ड न होने की दशा में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। आज मुझे कंट्रोल रूम गुनाह से सूचना प्राप्त हुई थी कि टोल टैक्स के आगे ग्राम सोड़ी के पास कोई
अज्ञात सब है, वहाँ पर हम पहुँचे। श्रीमान CSP महोदय भी मौके पहुँच गए थे, FSL अधिकारी भी पहुँचे थे। वहाँ पर एक अज्ञात सब था जिस बुजुर्ग की उम्र करीब 70 साल होगी, तो उनका पंचायतनामा लास्ट लिया गया था वहाँ पर, और देखने से नेचुरल डेथ सी प्रतीत हो रही थी, फिर भी मर्ग कायम करके उसको जांच में ले लिया गया और PM कराने के लिए डेड बॉडी जिला चिकित्सालय रवाना कर दिया। जैसा इसमें स्थिति बनेगी ये बात PM कार्रवाई की जाए। उसकी पहचान के लिए उसकी जेब में कुछ मिला था सर? नहीं, जेब में कुछ नहीं मिला था उसका। 20 रुपये और 5 का सिक्का, कुल 25 रुपये उसके जेब में मिले थे। कोई आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिफिकेशन का सब मार्क का या कोई पेपर ऐसा नहीं मिल पाया था उसकी जेब से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की परिषद की बैठक का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। इस बैठक में भोपाल से आए राज्य सचिव मंडल के शैलेंद्र कुमार सैनी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आगामी 23 तारीख को भोपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक का आयोजन होना है, जिसके तारतम्य में ये बैठक रखी गई। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद की यहाँ बैठक की गई है, जिसमें हमारे भोपाल से राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड शैलेंद्र कुमार सैनी उपस्थित हुए हैं। वो राज्य सम्मेलन हुए अभी रीवा में और केरल के कोल्लम जिले में महाअधिवेशन पार्टी कांग्रेस है, उसकी रिपोर्टिंग के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और अभी 23 मई को भोपाल में एक जन आंदोलन होना है तमाम वामपंथी पार्टियों के जन संगठनों का, उसकी तैयारी को लेकर के आज ये मीटिंग यहाँ पर की। कोतवाली गली में अचानक लगी आग से कई गरीब दुकानदारों का हुआ नुकसान। कोतवाली गली में रखी जूता चप्पल की दुकानों में से एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात रहा। इस आगजनी में लगभग 3 से 4 दुकानें जलकर खाक हो गईं। जब तक दमकल पहुंची तब तक लगभग 3 दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर खुद ही 5 ब्रिगेड व दमकल कर्मचारियों के साथ आग बुझाने का प्रयास किया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। अरे नीचे से मारना पड़े यार, नीचे से बिल्कुल नीचे से आ रही थी। ले जा, मैं क्या ले जा, मुझे तो बता यार, मैं एक मिनट ऊपर तो जानू, ये कहाँ से आया? अरे गेट अंदर बोल, घर गेट नहीं आ रहे, आ रही है। कैसे मंगल भैया? मंगल ये कहाँ अंदर से गए? अंदर से कोई भी नहीं। भी डालो डालो और डाल दो, बोलो अरे वो नहीं फेंक पाएंगे। अरे भैया भैया ले आओ, अरे क्या होता है, टीवी फूट जाएगी, तार है ऊपर केबल। मैं रोटी खा रहा हूँ मोमबत्ती जला के, मैं फिर आ गया ले आवे। चल तू इतने जा पहले, गाड़ी बुलवा लो, गाड़ी बोलो। अरे आ रही गाड़ी, चल पानी पी भी बोल रहा हूँ। हमारे पूरी दुकान आपकी हो जाएगी। कॉल फायर ब्रिगेड कॉल कर दिया, कर दिया कर दिया, एक बार और लगाओ। ये मोमबत्ती जला के खा रहा था खाना। हाँ मेरा 40-50 हज़ार रुपए का माल जल गया सर। आप कैसे में सामान रखती थी? हाँ, मैं सामान रखती थी इसमें किराए से। अच्छा, कितना किराया देती थी? 200 रुपए महीने देती थी। आप और आप दुकान कहाँ लगाती थी? कोतवाली सिटी कोतवाली के पास। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? चूड़ी मनियारी। अच्छा, तो रात में आप इसमें सामान रखती? हाँ, मैं 8 बजे सामान रख के घर चली गई,
इसके बाद का मुझे पता नहीं। मैं घर पर सुबह दुकान खोलने आई तो मुझे कोतवाली के बाहर ही चाचा तो बैठे थे, वहाँ के खड़े हुए थे, देखा कि वहाँ पर कोतवाली गली में मोचियों की दुकान के वहाँ आग लगी हुई है। तो हम 10-15 लोग दौड़कर वहाँ पहुँचे। वहाँ पहले से 2-3 कांस्टेबल थे और वहाँ जाके मैंने पूछा कि फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया, उन्होंने कहा कर दिया। इसके बाद मकान जो आग सामने है उन्होंने ऊपर से आग बुझाने का प्रयास किया डब्बों से पानी डाल डाल के। कोतवाली से भी कांस्टेबलों ने डब्बे लाला के आग बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद फायर ब्रिगेड आई 20-25 मिनट में। 5 दुकानें जब तक जलकर खाक हो गई थी। अगर समय रहते हुए उस आग तक काबू ना पाते तो आसपास किताबों की भी दुकान है और भी जो सोफे वोफे के कवर ओवर चढ़ाने वालों की दुकान है, पूरे लक्ष्मीगंज चपेट में आने से बचा है। करोड़ों का नुकसान हो जाता अगर समय पर आग नहीं बुझती तो। सकतपुर रोड स्थित जियो कंपनी के टावर के नीचे एक गाय को करंट लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बता दें कि इस टावर के बारे में मोहल्लेवासियों द्वारा कई बार शिकायत की जा चुकी है जिसके बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। वहीं आज एक गाय को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि यहाँ पर कई बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, न जाने क्यों जिला प्रशासन और जियो कंपनी किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। मेरी गाय का बच्चा घर के पास बंध रहा था, वो उधर से निकला, ऐसे करंट लगा उसमें। किस चीज से करंट लगा? जियो टावर से। टावर से? टावर से। तो फिर करीबन कितनी देर बाद इसकी लाइन बंद करी गई? लाइन बंद करीबन 1 घंटा बाद बंद की गई। और कोई घटना तो नहीं हुई? और कोई घटना हो सकती है ना, इसमें बाउंड्री है ना, उस तार ओपन पड़े हैं इसके, कोई बच्चा ही मर सकता है, किसी और दुर्घटना बड़ी हो सकती है। तो गाँव से भी थी और कुछ भी हो सकता है, बच्चे ही घूमते रहते हैं यहाँ पे, बच्चे भी चढ़ते हैं। वो समस्या ये ना, अभी तक काफी 3-4 महीने से ऊपर हो गए ना, तो इसकी बाउंड्री हुई है ना ही, और कुछ सर्कल वगैरह बना रहे हैं। इसकी शिकायत करी है आपने? इसकी शिकायत अध्यक्ष महोदय से की थी, उन्होंने MPP को फोन लगा दिया तो वहाँ से गाड़ी आई जिससे कनेक्शन कट गई। बिलोनिया स्थित शासकीय वेयर हाउस में चने की बोरियों में रखे हैं पत्थर। जी हाँ, आपने सही सुना, चने की बोरियों में रखे हैं पत्थर। आपको बता दें कि अभी तक प्रशासन काफी मुस्तैदी के साथ फसल की खरीदी कर रहा है, उसके साथ ही आज बिलोनिया में इस वेयर हाउस में यह नज़ारा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कुमराज और बमोरी समिति द्वारा खरीदे गए चने में बड़ी मात्रा में पत्थर मिले हैं, इसके साथ ही मिट्टी भी मिली है। समस्या पर है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी की गई इस चने की बोरियों में पत्थर कहाँ से आए? क्या यह सरकार को चूना लगाने के लिए रचा गया षड्यंत्र है? इसकी पुष्टि तो जांच के उपरांत ही सबके सामने आएगी। वहीं आज इस बड़ी मात्रा में चने की बोरियों में पत्थर और मिट्टी मिलने से जरूर कई लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। निकला बेटा अंदर, उधर बंद, उसको वहीं कहीं रख दियो, उसको उसी को उसी में रखना। ये को दिख रहा है मुझे तो, लग रहा है नहीं है, अब नहीं नहीं है, चल रहा है उसी को, ऐसे कैसे उसी में फोटो खींचो, रुक जा एक मिनट, अभी नहीं पहले फोटो खींच लो, खड़ा हो जा, उसकी शक्ल फोटो खींचो, उसकी हेमंत की, हेमंत की शक्ल डालनी चाहिए। नीचे बैठ जा तू, तो राम तू भी रह पास में तुम्हारा, बता ना उधर जाओ, इसको अंदर डालो पहले। निकला बेटा अंदर, रुक जा बंद, अलग रखियो। हाँ साहब अलग, पर अभी ये जो बेचे भी करना चाहिए, बनना है ऐसे ही अब, तो अब इसका अभी कुछ मत कर, अंदर ही कर रहे हैं लास्ट में, अपन आखिरी में सत्ता पंजा कुछ ऐसे करवा लेंगे तो चारों में कम से कम 4 ट्रक तो डलवाई हैं। पुराना माल था ये, हाँ सर पुराना है, कहीं कैसा घुना भी दहना मिलता नहीं। बी बिल्ड बताओ संजय, बोले इधर उठवा जल्दी, निकलवा रहा हूँ सर, लो तू क्या जा रहा है, चलो एक आदमी भेज दियो, बोले इधर गाड़ी में साफ गाड़ी में इसको बताना जरा।
जी कुमराज की गाड़ी थी, तो जैसे ही मैंने परखी लगाई तो उसमें पत्थर अटका, तो मैंने उसको देखा और वो बोरिया लग रखवा दी। सर को इन्फॉर्म भी कर दिया था और सर को फिर दिखा भी दिया था। जी साईं वेयर हाउस है, जिसमें एक कुमराज समिति में एक बोरी में पत्थर निकला है, करीब 2 किलो का पत्थर होगा, जो नेफेड के सर्वेयर ने कल बोरी पकड़ी थी। तो वहाँ दूरवास पर इसने हमें बता दिया था, बोरी छांट के अलग रख दी थी। कुछ बोरियाँ और हैं जिनमें मिट्टी निकली है, जिसमें बोमोरी समिति और कौन समिति है, कुमराज समिति है, जिसमें मिट्टी भी निकली है। कुछ रावगढ़ की कुछ बोरियाँ थी जिसमें 2-4 बोरी में घुना दाना भी है, निकल सकते हैं। लेकिन इसीलिए तो यहाँ पर सर्वेयरों की ड्यूटी लगाई गई है और हमारे कर्मचारी भी हैं, गोडाउन मालिक का कर्मचारी भी है, तीनों लोग निरंतर देखते हैं कि कहीं इस तरह का चना ना आ जाए जिससे बाद में दिक्कत खड़ी हो। नगर पालिका द्वारा आज नवीन कलेक्ट्रेट भवन के पास चौराहे का नामकरण परशुराम चौराहा के नाम से किया गया, जिसका भूमि पूजन आज सुबह किया गया। डीजीएनआर न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।